पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे है मतलब? कुछ सर्जरी थोड़ी ना कराई है। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहे तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये? बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार आया तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम, दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर, अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है, मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं, आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और आप बोल रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को है, जा यहां से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है, बताना कैसा लग रहा है ये सब। नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है, तू तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी। रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते, क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती?
पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं। और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी। शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बेरसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया, तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है चलो आ गई। तो रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी।